कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी फिशिंग टेक। इसी जेली फिश के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। जी हाँ, इसी जेली फिश के बारे में। तो मैं अभी इसी बीच के किनारे खड़ा हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा, ढेर सारे हैं इधर। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जेली फिश है जो बहुत ही ख़तरनाक है। जी हाँ, बहुत ख़तरनाक है। इसको बाहरी देशों में बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है, हत्ता कि आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बीच को भी, जो लोग घूमने फिरने के लिए जो बीच पर जाते हैं, तो वहाँ बीच को भी क्लोज़ कर दिया जाता है। जी हाँ, बीच को क्लोज़ कर दिया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये जेली फिश है मेरे पास। ये जेली फिश आपको दिखने में जो खूबसूरत लग रही है ब्लू कलर की, ये उतनी ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो नीचे इसके देखिए, ये जो नीचे जो ब्लू कलर की एकदम लाइन बनी हुई है, जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। जी हाँ, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। मरने के बाद तो उतनी ख़तरनाक नहीं होती है, जो थोड़ी अगर उसमें जान होगी बाकी, तो आप उसको छू नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपको जैसे इलेक्ट्रिक जैसे शॉक लगता है, उस तरह से आपको हाथ लगाने पर, अगर आपके जिस्म पर लगने पर, उसको उस तरह से शॉक लगेगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर ढेर सारी पड़ी हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि जो बड़ी जेली फिश होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इससे भी ख़तरनाक होती है कि अरे बड़ी बड़ी मछलियों को भी मार देती है इसके शॉक से, वो मर जाते हैं। इसकी जो नीचे की जो लार होती है, उसका जहर होता है, उस लगने पर वो मर जाते हैं। जी हाँ, मर जाते हैं। और इसे अंग्रेज़ी में फॉल्स जेलीफिश कहते हैं। और ये देखिए, ये सब ढेर सारी इधर पड़ी हुई हैं। और इसकी ख़ास बात क्या है पता है आपको? ये जब दरिया में तूफ़ान होता है, तभी थोड़े दिन पहले, यानी एक हफ्ता, 15 दिन पहले ये आना शुरू हो जाते हैं, दरिया से आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही बाहर बाहर, यानी 100 मीटर 150 मीटर बाहर होते हैं, तब ये किनारे में आना शुरू हो जाते हैं। जब बाहर की हवाएं लगती हैं, तो ये किनारे में आना शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जब ये आती हैं तो मछलियों को मारती है, और जब ज़मीन पर आती है तो ये मर जाती है। अगर ज़मीन पर मरने से पहले आपको लग जाए, तो बहुत ही ख़तरनाक इसका असर होता है। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, देखिए किस तरह से हालत हो जाती है। ये देखिए, बहुत ही ख़तरनाक हालत हो जाती है। अरे फॉरेनर्स को बहुत जल्दी असर करती है ये जेलीफिश। जी हाँ, फॉरेनर्स को बहुत जल्दी असर करती है। और इंडिया में कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंडियंस को ये ज़्यादातर असर नहीं करती है। असर करती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि फॉरेनर्स को असर करती है। तो इंडिया में जब ये जेलीफिश किनारे में आती है, यानी समंदर किनारे में आती है, तो कभी बीच को कभी बंद नहीं किया जाता है। जी हाँ, बीच को कभी नहीं बंद किया जाता है, और इससे कोई डरता भी नहीं है। और इसको पैर के नीचे रोंग कर इससे बच्चे लोग आवाज़ कर देते हैं। जी हाँ, आवाज़ें करते हैं इसको, इसके जो ऊपर, ये देखिए, ये है, ये है जो है, तो इस पर पैर रखने से आपको आवाज़ आएगी। तो इस तरह से बच्चे इंडिया में इसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉरेनर्स को बहुत ही ज़्यादा इससे ख़तरा होता है। जब न्यूज़ों में भी आपको बता देंगे कि न्यूज़ चैनल वाले कि आप जेलीफिश आई हुई है, तो आज ब्रिज बंद रहेगा, इस तरह से न्यूज़ में अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने ये जेलीफिश कभी देखी है तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कभी आपको जेलीफिश पैर को या हो हाथ को लगी है, तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।